हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मोहन थाल या बेसन की बर्फ़ी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो सबसे पहले एक बाउल में मैंने लिया है 2 कप बेसन, उसमें डालेंगे घी 3 चम्मच और यह है 1/4 कप दूध जिसे बहुत अच्छे से गर्म किया है। अब इन सब को मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह से आप दोनों हाथों के बीच रगड़कर मिक्स कर लें। अब एक छलनी की सहायता से इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि एक दानेदार टेक्सचर हमें मिल जाए बेसन का। देखिए, इस तरह का आपको बेसन मिल जाएगा। अब एक पैन में 1/2 कप घी ले लिया है और उसमें हम बेसन डालकर भूनेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। देखिए, अब बेसन को सेकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें डालते हैं 1/2 कप मलाई। यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पर 3/4 कप शुगर में 1/2 कप पानी डालना है और शुगर को घुलने तक पकाना है। साथ में डाला इलायची पाउडर। अब शुगर जब तक मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसे पकाना है। देखिए, शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम बंद करके और फिर बेसन में इस चाशनी को डालकर अच्छे से मिक्स करना है। इस समय गैस की फ्लेम बंद है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यह मिक्स हो चुका है। अब एक बार फिर गैस की फ्लेम ऑन करके बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। इस तरह से यह पूरी तरह से पैन छोड़ देना चाहिए। अब यह रेडी है। इसे एक प्लेट में सेट करने के लिए रख देते हैं। अब इसे आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। अब इसे ठंडा होते हुए 1 घंटे हो चुके हैं, इसमें कट्स लगा देते हैं, लेकिन इसे इस वक्त निकालना नहीं है। जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इनके पीसेस को निकालना है। इसे ठंडा होने में लगभग 8 से 10 घंटे लगेंगे। अब यह ठंडा हो चुका है, इसके पीसेस को आप निकाल सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।